2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्रिस हेम्सवर्थ स्टार एक कमाल की एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसके अंदर कमाल का कोरियोग्राफी व ब्रूटल एक्शन, हैंड टू हैंड फाइट्स और जो कैमरा वर्क दिखाया गया था, जिसने फैंस को दिलों को काफी ज्यादा सरप्राइज और एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया था, जो 2021 की एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवी बन गई थी। तो आज इसलिए इस वीडियो में आपको टॉप 5 ऐसी मूवीज को लेकर आया हूं, जिसके अंदर का एक्शन और ब्रूटल फाइट सीन आपको एक्सट्रैक्शन वाला फील जरूर देंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे 2012 में रिलीज हुई एक बेहतरीन एक्शन क्राइम फिल्म सेफ, जिसमें हम सबके फेवरेट एक्शन स्टार जैसन स्टैथम एक एलाइट एजेंट की भूमिका में निभाते हुए नजर आते हैं, जो एक 11 साल की चाइनीज बच्ची को बचाने के लिए एक रशियन माफिया और करप्ट पुलिस ऑफिसर के बीच फंस जाते हैं। काफी हद तक ये मूवी आपको एक्स्ट्रा एक्शन वाला फील देती है। फिल्म में जैसन स्टैथम है तो एक्शन की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, आपको कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा। IMDb ने इसे 6.5 की कमाल की रेटिंग दी है। नंबर 4 पे है द मैन फ्रॉम नोवेयर। अगर आपने जॉन अब्राहम की रॉकी हैंडसम मूवी देखी है तो बिल्कुल सेम उसी तरह की स्टोरी है इसमें, क्योंकि जो रॉकी हैंडसम मूवी है इसी मूवी की रिमेक है, जहां एक बिल्डिंग में एक बंदा रहता है जो शॉप चलाता है, जो लोगों को चीजों के बदले नया सामान देता है। अब उस वहां बिल्डिंग में एक बच्ची भी रहती है जिसे उसे बहुत ज्यादा लगाव है, पर उसकी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो ड्रग्स करती है, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही बड़े माफिया के चंगुल में फंस जाती है। और एक दिन कुछ लोग उस बच्ची को किडनैप कर लेते हैं, उसके बाद जो खूनी मंजर और खून खराबा शुरू होता है उसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। इसमें एक्शन की तरह बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से एक्शन को दिखाया गया है। IMDb ने इसे 7.8 की रेटिंग दी है। नंबर 3 पे ट्रिपल फ्रंटियर। फिल्म की कास्टिंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, इसमें आपको हॉलीवुड के काफी बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे। फिल्म की स्टोरी पर थोड़ा नजर डालते हैं। फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक रॉबरी के ऊपर, जिसकी जिम्मेदारी उठाई है 5 एक्स फोर्स स्पेशल सोल्जर्स ने, क्योंकि उन्होंने जो अपने देश के लिए किया इसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। इसी बीच उनको पता चलता है एक ड्रग लॉर्ड के बारे में, जिसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, उसका घर जंगलों के बीचों बीच होता है, उनको वहां से वो पैसा चुरा के लाना होता है। अब आपको देखना है वो पैसा वहां से चुरा पाते हैं या नहीं, इन सबका जवाब ढूंढने के लिए आपको मूवी देखना होगा। फिल्म में एक्शन की तरह काफी ज्यादा एक्शन तो नहीं है, लेकिन जितना भी है काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। IMDb पर इसे 6.4 की रेटिंग मिली है। We need to hunt quickly. You cannot stay. They will find us. नंबर 2 पे है टेकन। एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सुरक्षा और अपने देश के नाम कर दी, पर अब उसकी खुद की बेटी की जान खतरे में है। उसके पास सिर्फ 96 घंटे हैं। अगर उसने इन 96 घंटों में उसे नहीं ढूंढा तो वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगा। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए किस हद तक जाता है, मूवी में एक आधी उम्र के आदमी को लोगों की बैंड बजाते हुए देखने में बहुत मजा आता है। अलग अलग जगह पे हो रही फाइट सीन, गन फाइट देखकर जो मजा आता है वो कमाल का है। मूवी आपको ब्रूटल तरह का एक्शन दिखाती है, जिसे देखकर आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा एक्शन वाला फील आएगा। IMDb पर इसे 7.8 की काफी अच्छी रेटिंग मिली है। नंबर 1 की मूवी भाई साहब के एक्शन दिखाया गया। मूवी के लीड कास्ट में है जैकी चैन, जो एक पिता का रोल प्ले करते हैं। फिल्म में दिखाया जाता है एक पिता को जो अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां पे एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ब्लास्ट होता है, जिसमें वो आदमी अपनी बेटी को खो देता है। वो पूरी तरह से पगला जाता है, उसके सिर पर खून सवार हो जाता है। उसे किसी भी तरह ब्लास्ट करने वाले को ढूंढना है और बदला लेना है। मूवी में आपको जैकी चैन का अलग ही अवतार हमें दिखाया गया है, जहां पे उनका ज्यादातर एक्शन कॉमेडी बेस होता है, पर इस मूवी में उनको बहुत ही खतरनाक और सीरियस एक्शन करते हुए दिखाया गया है, जिसे आपको एक बार जोर देखना चाहिए। ये मूवी आपकी फेवरेट एक्शन मूवी बन जाएगी। इसे IMDb पर 7 की रेटिंग मिली है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा सा भी अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर देना। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हमको कुछ बताना चाहते हैं या कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।